वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग ड्रीमी डिवाइन में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है टीवी के कुछ ऐसे स्टूपिड प्रोग्राम जिसको देख के आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो चल और देखेंगे, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, क्या लॉजिक लगाते समझ ही नहीं आता। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट टू द चीट स्टार्ट। टीवी सीरियल्स की दुनिया में ना तो कोई साइंस चलता है और ना कोई लॉजिक। सारे सीरियल्स की स्टोरी लगभग एक जैसी रहती है, एक बड़ा परिवार और उसमें ढेर सारी सास और बहुएं। बहुएं भी ये बहुत चुन के लाते हैं, जो लैपटॉप गंदा हो जाए तो उसको बर्तन के जैसे धो दे, और अगर लैपटॉप में वायरस पता लगे तो एक बोतल फिनाइल की डाल दे। इतनी पढ़ी लिखी बहू ये लाते कहाँ से है? किताब खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। सास ने बहू को बड़ी रोटी बनाने के लिए बोला तो देखिए कितनी बड़ी रोटी बना लाई। जरा बड़ी रोटी बना दी। ओके सासू, क्या इतनी बड़ी रोटी? ये रोटी बना के लाई भटूरे से बड़ा लेके बड़ी रोटी बना कर लाती हूँ। अरे बस कर बहन, बड़ी रोटी बनाने का कंपटीशन थोड़े ना चल रहा है। सास ने नाराज होकर बहू को पेड़ से बांध दिया, लेकिन लड़की भी शक्तिमान की बहन थी, इसने रस्सी समेत पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ दिया। शक्तिशाली भुजाएं एनर्जी देख लो। बहू रानी के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां कैसे आई तो ये संभव हो पाया देवी मोनालिसा की भक्ति करने के बाद। 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ गए थे कि तुमको मोनालिसा की पेंटिंग की पूजा करनी पड़ी। टीवी सीरियल्स की ये बहुएं भगवान हो या यमराज, किसी से भी आसानी से बात कर सकती हैं। चक्कर के बिना हमारे जीवन के कोई मायने नहीं है यमराज। हम शंकर से तुम्हारी कुछ क्षण के लिए भेंट करवा सकते हैं, तुम आखिरी बार शंकर से मिल सकती। अरे आखिरी बार मिलकर कर क्या लेगी वो? यमराज भी कॉर्पोरेट एचआर की तरह डेड बॉडी का एग्जिट इंटरव्यू कर रहा है। इस सीन में सीलिंग फैन गिरने वाला था। अरे मूर्खो, जब दिख रहा है सीलिंग फैन गिरने वाला है तो दूसरी तरफ क्यों नहीं खड़े हो जाते? लेकिन ये हटेंगे नहीं, क्योंकि इनको बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेंगे। हटते ही नहीं है ये तो है। जाते जाते ये तो बता देते कि सीलिंग फैन से सुदर्शन चक्र कैसे बनाते हैं। सास ने बहू को जरा सा थप्पड़ क्या मारा, लड़की ने पृथ्वी के 4 चक्कर काट दिए और फिर खुद ही पर्दे को लपेटकर फांसी लगा रही है। सीन में नानी के नकली दांतों का सेट कहीं खो जाता है। पता नहीं माँ के दांत कहाँ चले गए। तो देखिए कैसे इनकी जबान ही बदल जाती है। जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी तब तक मैं बात नहीं करूंगी। अरे अम्मा जी, मुंह से सुपारी तो निकालो। अरे बिना दांतों के कोई तोते की तरह थोड़े ना बोलने लगता है। बीबी को दूध पीना पसंद था, लेकिन पति ने चोरी छुपे दूध पीते देख लिया तो ये महाराज उसके लिए 1 बाल्टी भरकर दूध ले आया। अरे बीबी को दूध पिलाना चाहते हो या फिर भैंस को नहलाना? और ये लड़की भी कम पागल नहीं है। अरे फ्रिज के अंदर बंद होकर कौन दूध पीता है? आप तो जानते ही ना हमें दूध कितना पसंद है। अब पेट के अंदर कुल्फी जमाएगी क्या? पागलपन की हद तो तब हो गई जब टीवी सीरियल वालों ने इस लड़की की रोड में ही प्लास्टिक सर्जरी कर डाली। मेले में मिलने वाले इस बंदर प्लास्टिक सर्जरी करता है, इन्होंने सामने वाली लड़की की डुप्लीकेट बना दी। सरप्राइज होने का इन्होंने क्या मस्त नाटक किया है। मुर्गी और चूहे पकड़ने वाले ट्रैप तो आपने पक्का यूज करे होंगे। अब देखिए लड़की पकड़ने का ट्रैप। इस लड़की की आंख में कुछ गिर क्या गया, इसको दिखना ही बंद हो गया। सामने किसी ने बैग खोल के रखा था जिसपे इसका पैर टकराता है और ये बेहोश होकर बैग की चैन अपने आप बंद हो जाती है और फाइनली ये बंदा लड़की लेकर चला जाता है। क्या चूतिया पब्लिक को समझ रखा है इन लोगों ने। कुदरत का करिश्मा तो देखिए, यहाँ लड़के का पैर फिसला तो उसकी उंगली सीधे सिंदूर के डिब्बी के अंदर जाके घुसी और फाइनली इसने सिंदूर भरी उंगली सीधे लड़की की मांग में जाके टिका दी। लो जी, हो गई एक्सीडेंटल। यार कुछ भी यार, पागल हो गए मुझे लग रहा है। इस सीरियल में लड़की ने अपनी शादी के लिए स्वयंवर रखा है। जो भी जीतेगा मैं उससे निकाह करूंगी।
इस स्वयंवर में कौन हिस्सा लेगा उसकी लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है और उसमें आपका नाम नहीं है। कौन सी मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन किया है बहन? लास्ट कट ऑफ कितनी थी? अरे कुछ तो बताओ। देखिए शादी करने के लिए क्या शर्त रखी है। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा? चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा, ये कैसे मुमकिन है? अरे चाची कानपुर में हड़ताल है क्या? उसने साफ बोला है चांद का टुकड़ा लाना है, पूरा चांद नहीं। और कमाल तो देखिए ये लड़का कौन सी टेक्निक से चांद को खींच रहा है। अरे भाई ये चांद जो खींच के नीचे आ जाएगा। लड़का जब रस्सी से चांद को खींच पाया तो निकल पड़ा अपनी कार से चांद को पकड़ने। अरे ये कार है या चंद्रयान? और नीचे खड़े लोग ऐसे टकटकी लगाए देख रहे हैं मानो लाखों मील दूर इन्हें आसानी से दिख रहा हो। लो जी 5 मिनट में लड़का चांद के पास पहुंच गया। कार का इंजन बंद है और टायर भी नहीं घूम रहे हैं, फिर भी कार मस्त हवा में उड़ रही है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है, ये टीवी सीरियल है या फिर वीडियो गेम? लड़का मोती चूर के लड्डू की तरह चांद के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यार कुछ भी, पागल हो गए। टुकड़े उन्हीं के घर के सामने गिरते हैं। धर्मा की ओवर एक्टिंग तो देखिए। अरे चांद का टुकड़ा तोड़ा है, गणपति की दही मटकी नहीं। नासा वाले ये वीडियो देख लें तो कल से काम करना बंद कर देंगे। यहाँ सब लोग पतंगबाजी का खेल खेल रहे थे। अचानक ये लड़की ऐसा क्या पेच मारती है कि इतने हट्टे कट्टे इंसान को छत से नीचे पटक देती है। और इसकी बीबी भी किसी सुपरमैन से कम नहीं थी। लड़के को बचाने के लिए लड़की ने किसी सुपर जेट की जैसे उड़ान भर दी। क्या दोनों कैसे उस पतंग से लटक जाते हैं जिसे कभी ये खुद आसमान की बड़ी पतंग कहां से आ गई? तो स्वयं ब्रह्मा ही बता सकते हैं कि चार आने की ये पतंग अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई। सीरियल में क्या क्या करते थे यार, सच में लॉजिक ही नहीं है। पतले से धागे की मजबूती तो देखिए जिसे पकड़ कर पूरी फैमिली दोनों को उड़ा रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तो हमने अभी तक बात ही नहीं करी। अरे जब दो हट्टे कट्टे लोगों का वेट पतंग के एक ही साइड में लग रहा है तो पतंग सीधे उड़ कैसे सकती है? जब सास बहुओं की दंत कथाएं खत्म हो गई तो ये लोग सांप सपेरों की दुनिया में चले गए। सारी लड़कियां इन्होंने नागिन बना लिया। नागिन अरे बस करो, कोई नॉर्मल लड़की बची है तुम्हारे गांव में या फिर सारी लड़कियां इच्छाधारी नागिन बन गई हैं? एक के बाद एक नागिन के 6 सीजन्स हो गए। समझ में नहीं आ रहा नागिन कौन से जन्म का बदला किससे लेना चाहती है। अरे 5 साल में तो FD भी मैच्योर हो जाती है मगर ये नागिने अभी भी बच्चों की तरह कुश्तियाँ लड़ रही है। और इन नागिनों का बस एक ही काम है, लहराती भी मोटी चोटी लेकर यहाँ वहाँ भटक के लोगों को डसते रहना। फेस पैक लगाने की जरूरत पड़ रही है। अरे किस नेवले को इम्प्रेस करने चली हो बहन, और नागिनों वाले फेस पैक मिलते कहाँ है? कोई भी अचानक कुछ भी बन जा रहा है। अच्छी खासी लड़की अचानक हाथ उठाकर नागिन बन गई और ये लड़की बनी है चमगादड़। लड़के यहाँ कभी नेवले तो कभी पंख लगाए बाज बन जा रहे हैं। सबके हाथ में लेटेस्ट आईफोन है, जी रहे हैं। अब ये जलपरी कहाँ से आ गई? लहराती हुई चोटी के हिसाब से तो इसे नागिन होना चाहिए था। अरे बड़ा कंफ्यूजन है भाई। और इस जलपरी का तो एक जल बच्चा भी है। बच्चे से याद आया, इनका तो बच्चा पैदा करने का प्रोसेस ही अलग है। इनके यहाँ औरतें बच्चे नहीं तरबूज पैदा करती हैं। ये क्या है? और फिर तरबूज से बच्चा निकलता है। हे भगवान, मेरा तो मेडिकल साइंस से भरोसा ही उड़ गया। आज के ओवर टाइम डोज में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते सब्सक्राइब करते सीरियल वाले कुछ भी करते हैं। ये सच में सीरियल वाले में कोई भी लॉजिक सीन नहीं होता, ना ग्रेविटी होती, किसी चीज को भी कुछ भी बना देते। इतना बड़ा उड़ता हुआ पतंग, पहले तो पतंग के पिच से नीचे गिर जाता, फिर उसकी वाइफ बचाने जाती है, वो भी वाइफ सुपरमैन की तरफ बचाने जाती है, वो भी गिरती है, फिर दोनों पतंग पे कैसे लटक जाते हैं, और उतना बड़ा पतंग और एक ही एंगल से पतंग कैसे उड़ा जब दोनों ने एक ही एंगल से पकड़ रखा है। भाई क्या लॉजिकल इनलॉजिकल बातें करते हैं सीरियल वाले, सच में पागल होते। और नागिन 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 ही नागिन निकाल के पागल कर देते, उनकी लहराते हुए बाल, कभी जलपरी बन जाता है तो कभी क्या बन जाता है, और बच्चे में देखो क्या होता, तरबूज पैदा।
तरबूज कौन पैदा करता है वे, और तरबूज में से बच्चा निकल रहा है, लग रहा पागल हो गया सच में सीरियल वाले। मुझे तो बहुत ही ज्यादा फनी निकला। स्टार्टिंग में जो वो लैपटॉप गोपी बहू लैपटॉप को ही धो देती है, फिर जो दूसरी गोपी बहू आती है तो उस पर वो फिनाइल गिरा देती है, क्या क्या दिखा रहे हैं। ऊपर से वो सिंदूर कैसे लगा देता है, सूटकेस में कैसे बंद हो जाते हैं, उसकी आंखों से दिख रहे हैं तो सूटकेस से बंद अपने आप कैसे हो जाते हैं, किसी अंधे को दिखा नहीं कि सूटकेस में गिरेगी तो चैन तो खुला होगा, चैन भी अपने आप बंद हो गया। व्हाट अ लॉजिक, नो क्या बोलूं, मुझे तो बहुत ही समझ नहीं आता मुझे सीरियल्स वगैरह ये लोग क्या क्या बनाते हैं। आप लोग बताना कि आप लोगों को इसमें सबसे फनी सीन्स कौन सा लगा, सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना आप लोग किस चीज़ पे ज़्यादा हंसी है, आप लोग इसमें इलॉजिकल इसमें लॉजिक इलॉजिकल सबसे ज़्यादा सीन कौन सा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।